हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं आज सेंटा क्रूज़। ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद हम लोग बाहर निकले हैं। हम लोगों ने ट्रस्ट सोचा कि जस्ट जाएंगे, ड्राइव करेंगे और बिना हम लोग बाहर निकले कार से वापस चले आएंगे। कि हमारा प्लान ऑल ऑफ सडन बना सैटरडे को। एक्चुअली हम लोग लंच कर रहे थे कपिल के यहाँ, तो मैंने ऐसे ही बोला कि चलते हैं यार कहीं घूमने, बहुत दिन से निकले नहीं हैं। तो ऐसा प्लान बना कि चलो खाने खाने के बाद शाम को ही निकलते हैं। तो हम लोग निकले अराउंड यहाँ से 5:30 को इवनिंग में, और स्टिल आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सनी था वेदर और थोड़ा थोड़ा ठंडा भी था, तो ड्राइव में बहुत मजे आ रहे थे। सेंटा क्रूज़ यहाँ से मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ अराउंड 1 घंटे लगते हैं, बट उस दिन तो ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था ये लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोग काफ़ी जल्दी पहुंच गए अराउंड 40 मिनट्स और सो में। तो अभी यहाँ पे ना थोड़ा सा आगे जाने पे घाट सेक्शन टाइप का एरिया आएगा, जो आप लोग को माउंटेन्स दिख रहे हैं सामने। स्लोप बहुत ज्यादा है, प्लस स्लोप स्पीड बड़ा अजीब सा लग रहा था। मतलब कि नॉर्मली ऐसा होता है कि ज्यादा टर्न है तो आदमी स्लो कर लेता है स्पीड। हमारी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही थी कि घाट सेक्शन के बीच में गाड़ी में हमारे ड्रैग क्यों होता है, तो आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि ऐसा क्यों होता है। यदि आपको पता हो तो मैं भी रिसर्च करूंगा और फिर इसके बारे में कोई अपना अलग से एक वीडियो डालूंगा। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं सेंटा क्रूज़ के नज़दीक, और कैमरा चेंज हो चुका है फ्रॉम फ्रंट सीट टू बैक सीट, और यहाँ पे आपको इसलिए दूसरा एंगल यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब हम लोग पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट, और आप लोग मेरा सेकंड ब्लॉग जरूर जरूर देखिए, बिकॉज वहाँ पे मैं आपको सेंटा क्रूज़ के बीचेस में लेके जाऊँगा और दिखाऊँगा कितने खूबसूरत बीचेस हैं वहाँ के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड मेरा चैनल जरूर जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए।